हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दित्या एंड विविध। तो फ्रेंड्स आज हम फिर से गाड़ी में हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो। और आप सोच रहे हो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम लोग जा रहे हैं दिवित के स्कूल बुक्स लेने। कल इसका ओरिएंटेशन हुआ था और रिपोर्ट कार्ड भी मिला था। हम आपको वो नहीं दिखा पाए क्योंकि हम नहीं दिखा पाए। और फिर आज हम लोग जा रहे हैं बुक्स लेने, तो हमने सोचा आज हम आपको दिवित का स्कूल दिखा ही देते हैं, है ना? हाँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने आप सोच रहे होगे अभी हम जा रहे हैं मेरे पुराने स्कूल, लेकिन अभी हम जा रहे हैं मेरे नए स्कूल। इसके स्कूल के 2 कैंपस हैं, जैसे 1 कैंपस इसका पुराना वाला था, अभी वो नहीं है। तो मतलब अभी वो होगा कुछ ही, उसका हमको नहीं पता, लेकिन अभी इसका नया स्कूल भी खुल गया है, वो कैंपस 2। तो हम उस कैंपस में जा रहे हैं। और ये डैडी का हॉस्टल, ये देखिए यहीं से आता है यहाँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ अभी बहुत दूर है मेरा स्कूल। नहीं उतना दूर नहीं है, 10 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स और लगेगा। आपको लग रहा होगा कि वो वहाँ पर मेरी पुरानी मैम होगी जो मुझे अभी पढ़ाती थी, लेकिन वहाँ पर दूसरी मैम होगी। हाँ और मैं चेन्नई मैम और स्वयं प्रभा मैम को बहुत मिस करूँगा। और वो दोनों मैम इसकी फेवरेट टीचर्स थी। हाँ। और वो अभी नर्सरी की क्लास में ही पढ़ाएंगी। हाँ। है ना? अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दिवित के स्कूल में। हाँ थोड़ा देर और लगेगा। ये देखिए बाप, आ गया ये स्कूल। हाँ देखो पूरा व्हाइट हाउस जैसा लग रहा है ना। यहाँ से मैं आपको पूरा व्हाइट हाउस जैसा, यहाँ पर भी अभी दिखेगा पूरा व्हाइट हाउस। हाँ पूरा व्हाइट हाउस ही लगता है, ये पूरा व्हाइट है और बहुत बड़ा है। ये देखो पूरा व्हाइट हाउस, ये देखो पूरा का पूरा व्हाइट हाउस है। यहाँ पर दिवित बैठे हुए एक्साइटेड हो? बताओ। पूरा का पूरा लाइट हाउस नहीं है ये, पूरा का पूरा व्हाइट हाउस है ये। हाँ को बाहर से भी दिखाएंगे, पहले हम लोग गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। देखो ये क्लॉक है जिसमें हमारी छुट्टी होगी या हमारा स्कूल भी खत्म हो जाएगा या हमारा स्कूल आ जाएगा, वही उसका ही क्लॉक होगा। ये कितना लंबा क्लॉक है, ये मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं दिल कहाँ से दिखा। मैं आपको बाहर के भी वो क्लॉक दिखाऊंगी जो दिवित दिखा रहा था। पार्किंग कर लेते हैं फिर आपको नीचे मिलते हैं। हमने गाड़ी को पार्क कर लिया और इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि हम आपको बता नहीं सकते, पूरा पसीना छूट जाएगा हमको तो। देखो कितनी देर, यही वो क्लॉक है जो दिवित बोला था, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, पर हम तो पा रहे हैं। चलो अभी मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, मम्मा अपने पर्स से निकाल रही है ना। मम्मा तो गज की दूरी मास्क है जरूरी, और हम लोग मास्क निकल रहे हैं। ओके चलो अभी अंदर मिलते हैं आपसे, और नहीं पहले आप देख लो बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत वाइट है पूरा। ओके तो आपको अंदर मिलते हैं हम लोग। यहाँ से अच्छे से दिख रहा है तो इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, आगे थोड़ा सा भी दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से हम लोग को चलना पड़ेगा नीचे सीढ़ी से, और दिवित और मम्मा थोड़े से लेट हो गए,
नहीं अभी देवित भी आ गया। पर एक रॉकेट जैसी कोई पिक्चर बनी हुई है। आपसे अंदर अंदर आ गए हैं। क्लासरूम्स दिखाऊंगी। पहले हम आपको नर्सरी का क्लासरूम एक बार दिखाते हैं। बहुत सुंदर क्लासरूम है। ओके, नर्सरी ए का क्लासरूम है। अब हम लोग अंकल क्या हम लोग अंदर जाके देख सकते हैं एक बार? नहीं, तो क्लास में वगैरह देखेगा। अच्छा, यहाँ पर ये KG1 का क्लास है। अभी नहीं खोला है। प्री नर्सरी का यहाँ पर कुछ खेलने का है बच्चों का। जीवन भी है, देखिए यहाँ पर KG1 भी लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर KG1C है। थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पर है प्रतीक। यहाँ पर हम लोग आ गए ऊपर। यहाँ पर क्रेयॉन्स बने हुए हैं। Yeah.
अभी हम लोग ने बुक्स को लेकर और जो भी स्टेशनरी है उसको लेकर हम लोग घर पर आ गए हैं। बुक्स लेकर, जूता लेकर, सॉक्स लेकर, यूनिफॉर्म लेकर और फ्रेंड्स हम लोग आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि वो बहुत हॉचपॉच था ना, तो हम लोग नहीं दिखा पाए। हम लोग अपना खरीद रहे थे, अभी हम आपको दिखाएंगे जो भी हमने खरीदा है। आपको दिव्य दिखा रहा है यूनिफॉर्म, ये टी शर्ट है और पैंट का है, इसका पैंट भी दिखा दो। फ्रेंड्स अभी हम लोग अनबॉक्स करेंगे बैग की स्टेशनरी। पहले ये सब नहीं हट रहे थे बैग में, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक इसकी ड्राइंग बुक है और टू फाइल्स दिए हुए फोल्डर्स कुछ रखने के लिए पेपर्स। और फिर यहाँ वाली चेन जब हम लोग ओपन करते हैं तो देखते हैं, हमें भी नहीं पता क्या क्या दिया हुआ है। और ये एक क्रेयॉन सेट है, ये हाँ ये क्रेयॉन सेट है, क्रेयॉन का पूरा सेट। और फिर यहाँ पर प्लेडो है, हाँ प्लेडो, प्ले 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 प्लेडो। और फिर यहाँ पर ठीक है, ये भी प्लेडो ही है, अलग तरह का प्लेडो लेकिन है मॉडलिंग डो। तो अब यहाँ पर ये है, ये कुछ पेंसिल्स हैं ब्लैकमेट के पेंसिल्स, आप भी दिखाओ फ्रेंड्स को। और क्या है ये देखो, ये क्या है, ये शार्पनर्स है, दिखाओ शार्पनर्स। हाँ ये शार्पनर्स है। और ये कैची, और ये सिजर्स है, ये और ये है ग्लिटर, ग्लिटर नहीं ग्लिटर ग्लू है ये। हाँ और फिर ये है कलर पेंसिल्स। और क्या है दिव्य देखो, और देखो ये इरेजर्स है। ये एक पेंट का डब्बा है, बड़े पेंट का डब्बा, और फिर ये छोटे पेंट का डब्बा है। और ये ये एक मार्कर है, एक मार्कर है। और क्या देवे दिखाओ, देखते हैं एक ग्लू, और ये आप, और ये एक ब्लैक मार्कर, हाँ ब्लैक मार्कर, कुछ पेंट ब्रशेज है, हाँ पेंट और इधर नहीं है, और इसके पीछे वाले चेन में, हाँ यहाँ पर इसके कुछ कलरफुल शीट्स है, कुछ भी ये लोग क्राफ्ट बहुत सारा बनाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर एक नोटबुक है विजडम ट्री ग्लोबल स्कूल की, जैसे दिव्य का स्कूल। और ये रहा ग्लिटर पेपर, हाँ ग्लिटर पेपर। क्या है ये लेबल करने के लिए स्टिकर्स, और तो कुछ नहीं है, सिर्फ बैग है और शूज है और कुछ है। ओके तो बस इतना ही था ये मतलब ये वाले बैग में। तो अभी देवित इधर आओ। फ्रेंड्स अभी हम लोग स्कूल से आए और हम लोग काफ़ी थक गए हैं और हम लोग ने लंच भी नहीं किया है, तो हम लोग अभी लंच करेंगे और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग के चैनल को लाइक करिए।
इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। और तब तक के लिए बाय।